2023 में 5 अगस्त को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अतिरिक्त जिला जज और सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर की ओर से 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई और साथ ही उन पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने इमरान खान को तोशाखाना मामले में भ्रष्टाचार का दोषी पाया था। इस दौरान इमरान खान को 5 साल के लिए किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तोशाखाना मामले में उनकी दोष सिद्धि को चुनौती देने वाली अपील वापस कर दी है। ये जानकारी रविवार को ड्रॉन समाचार पत्र की ओर से जारी की गई है। बता दें, इमरान खान ने तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मामले में उनकी सजा को पलट दिया जाए और 2024 में 8 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए उन्हें योग्य घोषित किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, तोशाखाना एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ खजाना अर्थ होता है और उसको नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत सरकारी अधिकारी उपहार रख सकते हैं अगर उनका मूल्य कम हो। बता दें, इमरान खान पर सरकारी खजाने के तोहफों को बेचने का आरोप लगा था। ये तोहफे इमरान खान को विदेशी दौरों के दौरान मिले थे। अब देखने लायक ये होगा कि इमरान खान पर लगे ये आरोप कितने सच्चे हैं और कितने झूठे। तोशाखाना मामला उस समय से लगातार सुर्खियों में है जब से इमरान खान पर ये आरोप लगे हैं कि उन्हें जो प्रधानमंत्री के रूप में तोहफे मिले हैं, उन्होंने उन तोहफों को भारी मुनाफे के साथ बाजार में बेच दिया है। क्रिकेटर से राजनेता बने 70 साल के इमरान खान पर 2018 से 2022 तक अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी उपहारों को खरीदारी और बेचने का आरोप है, जो विदेशी यात्राओं के दौरान उन्हें प्राप्त हुए हैं। और बता दें, उनकी कीमत लगभग 14 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की अपील पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी अपील से जुड़े हुए दस्तावेज अभी अधूरे हैं और अपील को सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ 6 जनवरी 2024 को फिर से दायर किया जा सकता है। इमरान खान के वकील सरदार लतीफ खोसा ने संविधान के अनुच्छेद 185 के तहत ये अपील दायर की थी। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। नमस्कार।